यस और नो। अगर आपको लगता है कि हाँ हम बहुत सेटिस्फाइड है तो फिर आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर आप यहाँ है दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपका आंसर 100% नो आने वाला है। और अगर हम बात करें कि क्या आपको लगता है कि जो भी जॉब या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आपको थोड़ा सा भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगता है, आपको लगता है कि मेरा सब कुछ सिक्योर है, मुझे कुछ हो जाए, कुछ भी प्रलय आ जाए, जैसे कोरोना एक बार आ ही चुका है, ऐसा कुछ भी बड़ा हो जाए तो भी मेरा सब कुछ तो सिक्योर है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लगता है क्या? शायद इसका आंसर भी कहीं ना कहीं से ना ही आ रहा होगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन जो हमें हमारे आपसे अपने आपसे पूछना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम दूसरों को तो बहुत सारी सलाह दे देते हैं लेकिन कभी खुद से बैठ के बातें करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन आज जब टाइम मिला है तो क्यों ना खुद से पूछा जाए कि क्या आज आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी आपके घर में अमाउंट आ रहा है आपकी वजह से, अगर कल को कोई कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या हमारी फैमिली वही अमाउंट ले पाएगी, क्या वही इनकम हमारे घर में आ पाएगी? अगर आपको इन सभी चीजों का आंसर नो लगता है तो यस यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, आप इस जगह पे बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं। बिजनेस की बात तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बात करने की वो है हमारी ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है? एक ऐसी हेल्थ जिसमें कोई परेशानी ही ना हो। और जैसे कि हमारी कार जो है ना वो चार पहियों पे चलती है, सेम वे में हमारी जो ऑप्टिमल हेल्थ है उसके भी फोर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज, द सेकंड वन इज एटीट्यूड जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, थर्ड वन इज अ रेस्ट एंड द लास्ट वन इज अ न्यूट्रिशन। ये लास्ट नहीं, ये फर्स्ट आना चाहिए, न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स ये इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म दें तो अर्न, क्या आज हम अपनी हेल्थ को अर्न कर रहे हैं या फिर हम अपनी हेल्थ को लॉस करते जा रहे हैं? हम यही कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि सबसे बड़ा फैक्टर है मनी। मैं भी मनी के पीछे भाग रही हूँ, आप भी मनी के पीछे भाग रहे हैं, सुबह से उठते हैं रात तक, रात को सोते हैं सुबह अगले की चिंता होती है, इसलिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई मैनेज कैसे होगी, और जितने भी हमारी EMIs, सबको पता है एवरीबडी इज ऑन EMIs राइट, वो सारी EMIs को हम कैसे कैसे उनको पे करेंगे, सारे टाइम टेंशन चलता है। और इस टेंशन में क्या होता है, मनी के पीछे भागते भागते ना तो हम एक्सरसाइज कर पाते, जो एक्सरसाइज हमें कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर डेली करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते, 5 मिनट्स भी हमारे लिए बैठना मुश्किल हो जाता है राइट, क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट्स क्या होते हैं, अरे जल्दी करना है कहीं लेट ना हो जाए, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए राइट, तो वहां पे हमें एक्सरसाइज नहीं हो पाती। उसके बाद आ जाती है हमारी एटीट्यूड, जैसे ही हम इस भाग दौड़ में अपनी एक्सरसाइज को स्किप करते हुए अपने न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन पे मैं अभी बात करूंगी, अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हुए जैसे हम ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस का एनवायरनमेंट देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है? नहीं हो पाता ना, क्योंकि वहां पे क्या देखते हैं हम, हमेशा ब्लैक बुलिंग, वहां पे देखते हैं कि लोग आपको आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, बॉस घड़ी देख रहा होता है कि अरे 5 मिनट लेट हो गए कैसे हो गए, वहां पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो पाता। बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम चाहकर भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता और अपने बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं है, भाग दौड़ इतनी हो गई है लाइफ में। उसके बाद आता है रेस्ट, अरे भाई रेस्ट कहाँ से लें, पूरे दिन लैपटॉप ऑफिस में चलाना है, उसके बाद उसी लैपटॉप को लेके घर आ जाना है, घर आना है फिर काम करना है, यानी ऑफिस तो ऑफिस था ही, अब घर भी हमारा ऑफिस बन चुका है राइट। तो रेस्ट जैसी चीज तो जैसे हमारी यू नो लाइफ से उड़न छू हो गई है, एकदम से ऐसा लगता है कि कहीं गायब हो गई है। कहते हैं कि हमें अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए 6 to 8 hours का एक ऐसी नींद लेनी चाहिए जिसे कहते हैं ना पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा घोड़े बेच के सोना, दैट मीन्स एक साउंड स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आती। क्यों नहीं आती फ्रेंड्स? क्योंकि जो ये वर्कलोड हमारे ऊपर इतना हो गया है, इतनी रशी लाइफ हो गई है हमारी, उसमें हमें नींद ही कहाँ आती है, हमें नींद ही नहीं आती, हम स्ट्रेस में ही उठते हैं और हम स्ट्रेस में ही सोते हैं, तो रेस्ट जो है वो हमारे अगेन गायब होता जा रहा है। क्यों हम सिर्फ मनी कमाने के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं? और अब बात करती हूँ मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने उनके मन की बातें सुनी हो तो आप देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि इस टाइम जो सारा फोकस है वो हेल्थ पे है। हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने सुना होगा कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बट फ्रेंड्स आजकल हो क्या रहा है, आजकल हो ये रहा है कि भाग दौड़ भरी लाइफ में हम इंस्टेंट फूड्स की ओर भाग रहे हैं, दैट मीन्स हम जंक फूड्स जो मिल गया वो खा लिया, हम फास्ट फूड्स को जो मिल गया वो खा लिया, ब्रेकफास्ट हम स्किप कर देते हैं,
ठीक है, जो थाली हमारी भरी पूरी होनी चाहिए जिसमें कि हमारे कार्ब्स भी होने चाहिए, हमारा प्रोटीन भी होना चाहिए, ठीक है, हमारे विटामिंस मिनरल्स भी होने चाहिए, वो मिलता ही कहाँ है। दो चपाती एक लंच बॉक्स में डाली, थोड़ी सी सब्जी रखी और बस हमने लंच वो भी उस टाइम पे करा जब हमें उसकी नीड नहीं थी, दैट मीन्स हमें भूख नहीं लगी थी, लेकिन किसी ने हमारे लिए बैल बजा दी कि आपका लंच टाइम हो चुका है, अब आप लंच कर लीजिए। तो हमें मजबूरी में वो लंच, वो एक ऐसा लंच जिसमें कुछ है और कुछ नहीं है, या कह लीजिए कि कुछ भी नहीं है, वो हमने खा लिया और उसी को खाते ही हम तुरंत फिर काम में लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर हमें ठंडा खाने को गर्म करना है, माइक्रोवेव को यूज कर रहे हैं, वहां से हमारे फूड में केमिकल्स आ रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं फुल ऑफ केमिकल, ठीक है, तो यहाँ से हमारी हेल्थ को लगता है कि मेंटेन हो सकती है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ बताने के पीछे मेरा एक रीजन है। रीजन क्या है, सबसे बड़ी बात कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आज आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस सबसे बड़ी चीज के पीछे दिन रात भाग रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, वो पैसा हमसे हमारी हेल्थ भी छीन रहा है, हमारा सुकून भी छीन रहा है, लेकिन हम फिर भी उस पैसे तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हम गलत रास्ते पे हैं। हम रास्ता कुछ हद तक ठीक है, हमारी घर की नीड्स को पूरी कर रहा है, हमारी दाल रोटी कपड़े मकान की जरूरत को पूरा कर रहा है, लेकिन हमें एक कंप्लीट पैकेज नहीं दे पा रहा, हमें कंप्लीट पैकेज नहीं दे पा रहा जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हुए, और बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं लाइफ में मनी के साथ साथ, उनको उन सारी चीजों को लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं हम पीछे छूटते जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिससे आपकी जो सबसे बड़ी नीड है मनी, वो तो पूरी होगी ही, लेकिन सुकून के साथ आप वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ मनी नहीं, आपको टाइम भी मिलेगा, वो टाइम जो आप अपने लिए जी पाएंगे, उस टाइम में आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, आप अपना लंच डिनर ले पाएंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जा पाएंगे, जो कि अभी हम नहीं जा पाए। फ्रेंड्स, जिस मनी के लिए हम आज रिसेंट काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रेजेंट वर्क है, वो मनी हमें वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जॉब तो सिक्योर है लेकिन हम सिक्योर नहीं है। लेकिन ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगी, आपको मौका देगी कि आप अपनी फैमिली को लेकर लंबे ट्रिप्स पे जा सके, आपको मौका देगी, लोगों के सामने आपका सम्मान होगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और जो सबसे बड़ी नीड है आज के टाइम की, गुड हेल्थ, वो आपको पूरी पूरी एंजॉय करने का टाइम देगी, वो आप अच्छे से जी पाएंगे, आप एक हेल्दी लाइफ को ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं? मैं तो रेडी थी जब मुझे ये प्लान दिखाया गया ग्रेट ग्रेट अपलाइन सीबी सर के थ्रू, और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई वो हमारे और ग्रेट अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम असलम अंसारी सर और मैम से हुई, उन्होंने हमें सारी चीजें बताई। तो आज आप भी अगर रेडी हैं तो आपके माइंड में दो चीजें आ रही होंगी कि क्या तो काम है, कैसे होगा, ठीक है, दो चीजें हमारे माइंड में आती हैं, लेकिन तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यों करना है। अगर ये क्यों हमारा क्लियर हो जाता है ना फ्रेंड्स, वाई क्लियर हो जाता है, तो ये क्या है वो तो हम समझ ही लेंगे, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स, और जिनको कि भगवान ने सबसे ज्यादा दिमाग दे रखा है, हम समझ जाएंगे क्या काम है, कैसे करना है वो गॉड अपने आप करवा देगा, लेकिन हमारा क्या है, जो हमारा रोल है वो है वाई, अपना वाई क्लियर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना वाई क्लियर करने के लिए देखो, छोटी सी एक तो चीज मैंने बता दी, अगर आपको गुड हेल्थ की तरफ जाना है, आपको ये सारे रिवॉर्ड्स लेने हैं, तो आपका एक मन में बन रहा होगा कि हाँ भाई, जो भी है मैं इसको करके देखना चाहूंगा। अगर मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि आपकी जो इससे इनकम जनरेट होगी ना, जिस मनी के पीछे हम अभी तक भाग रहे थे, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सिनेरियो बताया, वो बड़ा सा रशी सा सिनेरियो था, आपको लग रहा होगा यार पैसा इतना सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नो फ्रेंड्स, पैसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन हम जिस पाथ पे जा रहे हैं ना आज, वहां पे हम अपने पैसे की वजह से और चीजों को साइड करते जा रहे हैं। तो मेरा जो बताने का मोटिव था वो ये था कि हम पैसा ऐसे कमाएं जो हमें बाकी सारी चीजें दे पाए। तो ये जो पैसा आप कमाने जा रहे हैं ना, ये पैसा आपके लिए परमानेंट, ग्रोइंग, अनलिमिटेड, ऑनगोइंग, और सबसे बड़ी बात, आपकी आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर होगा। क्या आप आज जो कमा रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप एज इट इज वो बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या वो जॉब आप अपने बच्चों को दे सकते हैं? आई एम अ टीचर, मैं गवर्नमेंट टीचर, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरी जॉब मेरी बेटी कर ले,
बिल्कुल वैसे ही, तो क्या वो कर पाएगी? नहीं कर सकती ना। लेकिन इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ये बिजनेस एक लेवल तक लेके जाइए और उसके बाद आपकी ये जो है जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है और आपकी जनरेशन भी इसको इंजॉय करते हैं। तो अब आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन चल रहा था, मैं उसका आंसर देने जा रही हूँ। क्या करना क्या है? करना है 2 से 3 घंटे निकालने हैं आपको अपने वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल से। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो ये 3 घंटे कहाँ से आएंगे, 2 घंटे कहाँ से आएंगे? फ्रेंड्स, वी ऑल हैव दिस टाइम। कहाँ से आएगा? 2 से 3 घंटे जो है ये बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए, सुनिए, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम फ्रेंड्स से गॉसिप करते हैं, हम सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ रील्स देख के और और कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख के हम 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ये 2-3 घंटे अगर आप प्रॉपर वे से अपने लिए यूटिलाइज कर लें, इसको जो ये अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं आपके, जो आपको कुछ भी नहीं दे रहे, इससे आपकी इनकम तो नहीं हो रही ना। न्यूज़पेपर पढ़ने से किसी की इनकम नहीं हो रही, रील्स देखने से इनकम नहीं हो रही, हाँ रील्स बनाने से इनकम जरूर होती है। तो आप ये जो 2 से 3 अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं आपके, आप इनको प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करके इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को 6 से 12 महीने तक 2 से 3 घंटे डेली डाल के बताए गए तरीके से करते हैं, तो आप आज जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसमें 40,000 की मिनिमम इनकम आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको 1-2 ईयर्स करते हैं तो 1 लाख, अगर 2-3 ईयर्स करते हैं तो 2-3 लाख, और अगर आप इसे 2.2 से लेके 5 ईयर्स तक इस अपॉर्चुनिटी के साथ लगे रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो आप अपनी प्रेजेंट इनकम में 7 लाख तक की इनकम को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड हमें ये बताती है कि हमारे सपने जो बहुत बड़े हुआ करते थे किसी टाइम पे, जो इस बड़े वाले गोले में दिख रहे हैं, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़े बड़े बैंक बैलेंस होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हमारे सुकुड़ के रह गए इस छोटे से सर्कल में। जब हमें पता चला कि हमारी तो इनकम इतनी है, हमें तो सिर्फ इतना ही मिलेगा इस जॉब से, तो हमें हमारे सपने छोटे हो गए क्योंकि हमें इनकम बड़ा करने का कोई अभी तक सोर्स नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि हमने अपने सपनों को छोटा कर लिया। लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सपने तो हम सिर्फ एक इंसान ही तो देख सकते हैं। एनिमल्स के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है, उनके पास तो ये राइट ही नहीं है कि वो सपने देख सकते। जब हम ह्यूमन बींग के तौर पर पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यू आर अ ह्यूमन बींग, तो हम अपने सपनों को क्यों छोटा करें? क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इनकम को बड़ा कर लें? तो आज तो ये अपॉर्चुनिटी हम देखने ही इसलिए बैठे हैं कि हम अपने इनकम को बड़ा कर सकें। इनकम को बड़ा करने के लिए आप पे 3 चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं। अगर ये होंगी तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का इस काम को करके जो चाहे वो इनकम जनरेट कर सकता है। द फर्स्ट वन इज एम्बिशियस। आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, आपको अपने सपने के लिए, जो सपने आप भूल चुके हैं उनके लिए एक बार फिर से जागना पड़ेगा और अपने सपनों के लिए एम्बिशियस होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सीखने के लिए और थोड़ा सा चेंज होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्प से कभी पैसा आया है क्या? मैंने तो कितने लोगों की हेल्प कर दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप जितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज लोग देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब एम्बिशियस ही तो थे। ये किस किस बैकग्राउंड से थे आप ये देखिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से लेके सिविल इंजीनियर, सिविल सर्विसेज के लोग, एमबीए स्टूडेंट से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फैक्ट्री ओनर्स से लेके प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट से लेके प्राइमरी टीचर्स, फिल्म एक्टर्स से लेके एडवोकेट, और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो। इन्होंने भी ये 3 ही काम किए। एम्बिशियस थे, लर्न और चेंज होने के लिए तैयार थे, लर्न करने के लिए तैयार थे, चेंज होने के लिए तैयार थे, और लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहे। और आज ये सभी लोग वो लाइफ जी रहे हैं जिसको कि हम सब सोचते हैं, और आज हम सब उसी लाइफ को लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए, पैसा मैं भी कमाती हूँ, आप भी कमाते हैं, और बहुत सारे लोग भी कमाते हैं। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ लीगल, कुछ इलीगल। इलीगल पे तो हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे हैं हम पूरी तरीके से लीगल लोग हैं। और दुनिया की सबसे बड़े जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो कहते हैं कि अगर आपको लीगल तरीके से पैसा कमाना सीखना है तो सिर्फ 4 ही तरीके हो सकते हैं। द 4 ways of earning money by the legal ways आर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड द इन्वेस्टर। हम ज्यादातर लोग, जितने भी दुनिया के 90% लोग हैं, वो इसी तरफ है, यानी फर्स्ट साइड में, ए साइड में, जिसमें कि एम्प्लॉयज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयज।
और दुनिया के सिर्फ 10% लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनको पैसा बनाते हैं और पैसे से पैसा कमाने के लिए वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी, मनी, मनी के साथ टाइम आ जाए और लाइफ में सिक्योरिटी आ जाए और हेल्थ आ जाए, तो ये चार चीजें हम मिलके हमारी लाइफ को जन्नत बना देती है। और ये चारों चीजें जो है ये ए साइड में मिसिंग है। टाइम है नहीं हमारे पास, पैसा हमें मिलता नहीं हमारी मर्जी का, सिक्योरिटी है नहीं और हेल्थ हम खोते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम जैसे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग है, मतलब हार्ड वर्क तो ऐसे ना कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर, इतना वर्क करने वाले लोग हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जिस दिन ऑफिस जाएंगे, जितने टाइम तक काम करेंगे, तब तक ही हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी हम एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज मैं अगर 2 महीने अपने ऑफिस नहीं जाती, अपने जॉब पे नहीं जाती, तो मेरे पास लेटर आ जाएगा कि मैडम यू आर नॉट वेल और यू आर नॉट यू नो सुटेबल फॉर द जॉब, और आप घर पे ही बैठिए, आप घर पे एंजॉय कीजिए, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, राइट? तो इस तरीके से हम जितने भी इस साइड वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं, वो इन्हीं प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजर्स ही जीते रह जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बी साइड की, तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की 10% पॉपुलेशन यहाँ पे है जो कि दुनिया का 90% पैसा कमा रही है। ये लोग हमारे जैसे क्वालिफाइड नहीं होते, इतने ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन हम जैसे हाईली एजुकेटेड लोगों को इन्होंने अपने सिस्टम में रखा हुआ होता है और हमसे काम करवाते हैं और पैसा ये कमाते हैं। इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो धीरू भाई अंबानी जी, इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया और आज नहीं होने के बावजूद भी उनकी पीढ़ियां उस पैसे को एंजॉय कर रही है और पैसे को और ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है? उन्होंने पैसा कमाया बिजनेस से और उसको इन्वेस्ट करते गए और आज पैसे से पैसा बनाए जा रहे हैं। तो ये लोग क्या है ना कि हमारे जैसे हार्डवर्किंग नहीं होते, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, ये लोग एक्टिव इनकम जनरेट नहीं करते, लोग पैसिव इनकम मोड में आ जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, धीरू भाई अंबानी जी ने क्या किया, एक लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया, ठीक है? अब उसमें कहने को तो बहुत सारे लोग, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि 1,00,000 लोग भी उनके नेटवर्क में आए, 1,00,000 लोगों ने उनके उनका तो सिम थी, ठीक है, उसको यूज किया, एक कॉल किया उनको पैसा गया, दूसरा कॉल किया उनको पैसा गया। अगर हम किसी और सिस्टम की बात करें जहां पे मैन पावर यूज होती है, हर जैसे 1,00,000 बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, 8,00,000 घंटे काम हो गया, क्या हुआ, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, वर्किंग आवर्स बढ़े तो ऑब्वियसली मनी बढ़ेगी। भाई हम जैसे लोग क्या करते हैं, अगर मैं टीचर हूं, मुझे थोड़ा पैसा और कमाना है, तो मैं क्या करूंगी, ट्यूशन देना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने क्या किया, वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की कोशिश की, मैं काम ज्यादा करूंगी, पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन मैं क्या करूंगी, 24 घंटे से ज्यादा काम थोड़ी कर लूंगी, थोड़ा तो सोना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने आप को तो परेशान करते ही नहीं है, सिस्टम जनरेट करते हैं और वहां पे लोग काम करते हैं, यानी वर्किंग आवर्स बढ़ गए और वर्किंग आवर्स बढ़े तो ऑटोमेटिकली मनी बढ़ी तो इन लोग को अपना टाइम डालने की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज ये लोग तो फ्री है, टाइम इनके पास हो गया, मनी इनके पास हो गया। अब इतने सारे लोग इनकी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी तो ऑब्वियस है ना कि इनके पास होगी, एक साथ तो सारे के सारे 1,00,000 लोगों को कुछ नहीं हो जाएगा ना, अरे 2-4 बीमार पड़ेंगे वो वापस काम पे आ जाएंगे, फिर 2-4 और बीमार पड़ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे सेटिंग चलती रहती है और ये लोग बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। और फ्रेंड, जिसके पास ये सब कुछ है ना, उसकी हेल्थ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हम भी आज एक ये डिसीजन लें। देखिए, मैं सब कुछ क्यों बता रही हूँ, आप सोचोगे मैम बोले जा रही है, मैं सिर्फ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो जाए। अरे हम सभी आज तक ए साइड में हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बी साइड में आने की, तो क्यों नहीं आया जाए, है ना? तो अब आपको क्या लगता है कि बिजनेस, अरे यार बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की होता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, रिस्क बहुत है, कौन पैसा लगाए, इतना पैसा नहीं है अपने पास, कौन इतनी सारी स्टडी करेगा, कौन एक्सपीरियंस लेगा, एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम तो सीधे साधे लोग हैं, सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, महीने भर बाद हमारे हाथ में सैलरी आ जाती है, वो सैलरी आती है 15 दिन में खर्च हो जाती है, अगले 15 दिन हमें अगली सैलरी के लिए वेट करना पड़ता है और सारे काम अगले महीने पे डालने पड़ते हैं। तो हम तो वही लाइफ जीना चाहते हैं, हमें तो बिजनेस कर रहे हैं, कौन इतनी टेंशन ले, कौन पूरी जिंदगी 8 से 10 घंटे काम करता रहे और रिस्क एंड ऑल, ना भाई ना, हमसे तो ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस भी होगा और बड़े मजे से होगा, क्योंकि मैं जिस बिजनेस की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नाम जानते ही आपको लगेगा कि यस, ये बिजनेस को हमने सुना तो है, और आज जिस तरीके से मैम बता रही है ना, तो लग तो रहा है कि ये बिजनेस हम भी कर लेंगे। तो ये बिजनेस है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, वन एंड ओनली बिजनेस जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम बना बनाया मिलता है,
आपको सिर्फ क्या करना है, अपने 2 से 3 अनप्रोडक्टिव आवर्स को अपने प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पे 2 से 3 घंटे आपको रेगुलर वर्क करना है, और अगर आप 2 से 5 साल लग के काम कर लेते हैं, जिंदगी भर नहीं करना, 2 से 5 साल लग के काम कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे और आपके बच्चे आपकी जनरेशन इस पैसे को एंजॉय करें। अब बात आती है कि ठीक है जी, पैसा तो आ जाएगा, बिजनेस भी बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है, लेकिन अब करना क्या है? करना तो कुछ स्पेशल नहीं है, वही करना है जो आज तक आप करते आ रहे थे। अब आपको लगेगा मैं तो बहुत सारे काम कर रहा था लेकिन क्या करना है। फ्रेंड्स, हमारी 2 आदतें हैं बचपन से, यानी बॉर्न है ये हमारी हैबिट्स। द फर्स्ट वन इज, हमें ना खर्चा करने की बड़ी आदत, ठीक है। द सेकंड वन इज, हमें चर्चा ही करने की बड़ी आदत। तो ये 2 काम आप सिस्टमेटिक वे से कर लेंगे ना तो आपका बिजनेस हो जाना है। द फर्स्ट वन इज खर्चा, कहाँ करते हैं? मार्केट में। द स्लाइड विच इज इन फ्रंट ऑफ यू इज शोइंग यू द सिनेरियो ऑफ द मार्केट। मार्केट में क्या होता है, मुझ जैसे और आप जैसे कस्टमर हैं जो कष्टों से मरे जा रहे हैं। जो सामान हम लोगों को 100% में मिलता है, वो सामान किसी फैक्ट्री में 40% में बन के तैयार हो जाता है, और फैक्ट्री उस 40% में से अपना प्रॉफिट भी ले लेती है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन 60% पैसा कहाँ घूम रहा है? 60% पैसा घूम रहा है इन मिडल मैन में। यानी मैं जाके डायरेक्ट तो फैक्ट्री से सामान नहीं लेती ना, मैं सामान लेती हूँ रिटेलर से, रिटेलर वाला भी खुद नहीं बनाता, होलसेलर से लेके आता है, वो सीएफएन एजेंट्स के थ्रू मंगाता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा होता है सामान का। तो इस तरीके से जो चेन बन रही है बीच में, इसमें 60% पैसा रोटेट होता रहता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो पैसा मेरा, पैसा आपका, मेहनत मैं कर रही हूँ, अपनी हेल्थ भी खो रही हूँ, अपने बच्चों को भी नहीं देख पा रही, सेम आपके साथ भी हो रहा होगा, ठीक है ना। आप सब लोग भी अपने आप को यहाँ पे देखिएगा, मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ जिससे ज्यादा चीजें क्लियर हो सके। पैसा हमारा और आपका, मेहनत हम कर रहे हैं, अपने घर से दूर हम रह रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर हम रह रहे हैं, ठीक है, हम ही अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम ही सारे दुनिया के दुख झेल रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम कस्टमर है ना, कष्टों से मरना तो हमें ही है। और इंजॉय कौन कर रहा है? ये सारे लोग। हमारे 60% पैसे को कौन ले जा रहा है? ये सारे लोग। अरे भाई, जब पैसा हमारा है तो इस पे हक तो हमारा बनता है ना। तो जो ये हमारी अपनी एमवे है, इसने क्या सोचा, इसने दिमाग लगाया और ये सोचा कि भाई जिसका पैसा है क्यों ना उसी को वापस किया जाए। मेरा मार्जिन तो मुझे 40% में मिल रहा है, मैं तो खुश, लेकिन कंज्यूमर की भी तो कुछ हेल्प की जाए। तो उन्होंने कहा कि मिडल मैन को हम बीच में से हटाते हैं, ओनली 2 पीपल आर इम्पोर्टेंट, द फैक्ट्री एंड द कंज्यूमर। तो क्यों ना इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए और जिसका पैसा है उसे ही वापस किया जाए। तो ये पैसा हमें 60% पैसा वापस मिल सकता है अगर हम एमवे के साथ मिलके बताए गए तरीके से काम करते हैं। फ्रेंड्स, एमवे नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आज नए हों, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। एमवे जो है वो 1959 से 110 कंट्रीज से ज्यादा में सक्सेसफुली रन है। तो सोचिए कोई ऐसी कंपनी जो इतनी पुरानी हो चुकी है, वो कितनी ज्यादा इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एक ऐसी कंपनी जिसके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, खुद की फील्ड से 6500 एकड़ की 450 प्रोडक्ट्स से ज्यादा के प्रोडक्ट्स का खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, खुद के 1000 पेटेंट्स हैं, 1000 साइंटिस्ट हैं, 65 से ज्यादा R&D सेंटर्स हैं इसके, और अगर टर्नओवर की बात करें तो बहुत ज्यादा 70,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एनुअल टर्नओवर है। अपने इंडिया में भी इसी कंसेप्ट को लेके ये 1998 में आई और आज इसे 25 साल होने वाले हैं, ठीक है, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 25th एनिवर्सरी। और 180 से ज्यादा प्रोडक्ट ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। तमिलनाडु में इसका एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे हजारों लोगों को काम मिला हुआ है, लोगों की बेरोजगारी खत्म की जा रही है, लोगों को ऑर्गेनिक चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे ये जो है एमवे का एक मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। और जो एमवे है ये सारी किस चीज में डील करती है, हम मार्केट से क्या क्या खरीद के लाते हैं। हम मार्केट से या तो अपने फूड एंड सप्लीमेंट्स लाते हैं, क्योंकि आजकल ये सबकी नीड है, हम किसी ना किसी ब्रांड का कोई ना कोई न्यूट्रिशन ले ही रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो हमारी जो रेंज है उसमें आपको न्यूट्रलाइट, जो वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रलाइट जो सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट्स का एक ब्रांड है वो हमारे पास है। ब्यूटी में हमारे पास, स्किन केयर में हमारे पास 2 रेंजेस हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर्स, हर चीज में हम लोग डील करते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो हम मार्केट से भी लेके आते हैं। हमें तो सिर्फ मार्केट को चेंज करना है और पैसा कमाना है। तो ये सारी जो रेंजेस हैं ये हमारे पास अवेलेबल है। इन पे मेरे पास जो हमारी ग्रेट लीडर आएंगी वो इन पे आपसे पूरा ब्रीफ में बात करेंगी, तो मैं अभी यहाँ पे आपसे बात इस पे ज्यादा नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी कि पैसा कैसे कमाना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको लगता है कि
सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं क्यों शॉप चेंज करूँ, ये तो मेरे बगल में ही शॉप है ना, और या फिर इस शॉप पे तो मेरे दादा और परदादा ने शॉपिंग करी है, मैं शॉप को चेंज नहीं कर सकता। नो, ये सारी चीजें सिर्फ कहने में अच्छी लगती है। आज हम एक एक रुपए के लिए यू नो शॉप चेंज कर लेते हैं, और सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हम लोग तो ज्यादा सभी लोग मोस्टली लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। तो जो आज अपना ये प्लेटफॉर्म है एमवे का, ये आपको कह रहा है कि आपको घर बैठे सामान मिलेगा, मार्केट जाने का झंझट ही नहीं है, किसी से 2 रुपए कम करवाने की 3 रुपए कम करवाने की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे, और आपको हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट आपको लाके नहीं थोप दिया जाएगा कि लो और यूज करो, हमें कोई मतलब नहीं, जैसे कि मार्केट में यूजुअली होता है। यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, हर प्रोडक्ट पे आपको एक मनी बैक गारंटी मिलती है जो आपको मार्केट में या ऑनलाइन कहीं नहीं मिलती। आप 30 डेज यूज कीजिए, 30% यूज कीजिए, सामान आपका अच्छा लगता है तो आपका, नहीं है तो आप कंपनी को वापस करके अपना पूरा पैसा रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पैसे की, ये पैसा कैसे आता है। देखिए, विटामिन एम बहुत जरूरी है, इसी के पीछे हम सब भाग रहे हैं और इसी के पीछे आज हम ये टाइम निकाल के अपना बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन एम जो है, जो 60% पैसा है, जो हमारा ही पैसा है, हमें वापस मिलने वाला है, ये कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जैसे ही आप शॉपिंग करते हैं, आप, मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। जैसे मान लीजिए अपना एक कोई प्रोडक्ट है, और ये XNY कोई भी प्रोडक्ट है, ये मार्केट का है, तो जब आप ये सामान लेते हैं तो आपको MRP पे ही मिल जाता है। मान लीजिए इसका 10 रुपीज MRP है, 10 रुपीज पे मिलेगा, लेकिन जब ये सामान लेते हैं तो MRP से हमें 4-10% के डिस्काउंट मिलता है, राइट? आपको उसके अलावा पूरे महीने में जो शॉपिंग करते हैं उसमें 8-10% के आपको और ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं, जो कि कैश के रूप में आपके बैंक में आता है। लेकिन जब यहाँ से आप साल भर 2 साल जिंदगी भर कमाई की खर्चा कीजिए, मार्केट में आपको कभी कोई पैसा वापस नहीं आता। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 5% CSI आता है, कस्टमर्स का, जो मैंने बताया ना चर्चा करने का पैसा, ये एक इस रूप में आता है। दूसरा आता है रेफर करने से भी हम चर्चा करते हैं, रेफरेंस बोनस के रूप में 3-21% आता है, और 6% लीडरशिप बोनस आता है, और उसमें हमें बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स भी इंजॉय करने को मिलती है। तो ये पैसा हो गया आपके पास कैसे आना है। आप देखिए ये पैसा कैसे आता है, ये अब हम एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है। आज आपने मेरा प्लान देख के आपने 1% सोचा कि ठीक है भाई, अब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, चलो कुछ करके देखते हैं, क्योंकि कुछ करने में लॉस तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैं तो चेंज हो ही जाऊंगा, मेरे जनरेशन को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने एक डिसीजन लिया, आपने डिसीजन लिया मार्केट चेंज करने का, आपने मार्केट चेंज की एमवे के साथ, राइट? आपने मार्केट चेंज की, आपकी आदत थी चर्चा करने की, खर्चा आपने एमवे से करना शुरू कर दिया, पर दूसरी हैबिट तो है ना हमारे पास, दूसरी हैबिट है चर्चा करने की। चर्चा की, 100, 200, 500 जितने भी आपके नेटवर्क में लोग हैं आपने उनसे चर्चा की। आपके जैसे कुछ समझदार लोग तो आपके साथ आएंगे, कुछ लोग तो सोचेंगे ना कि यार फालतू ही तो बैठे थे, अब तक भी तो जॉब पे ही जा रहे थे, चलो कुछ करके देखते हैं, ठीक है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पा लिया तो बहुत कुछ है। तो ऐसे कुछ समझदार लोग आपके साथ आ जाते हैं, आपकी एक टीम बिल्ड हो जाती है। ऐसे ही उन समझदार लोगों ने भी कुछ और लोगों से बात की, उनकी टीम में भी ऐसे समझदार लोग आ गए, और ऐसे हमारी एक टीम बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने खर्चा करना है, चर्चा करके अपनी टीम क्रिएट करनी है, राइट? जब हमारा खर्चा पूरी टीम का मिला के अपने अपने घरों का हमने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग खर्चा किया, 20,000 का टर्नओवर हुआ आपके घर पे, अब तक कुछ नहीं आ रहा था ना खर्चा करने से, लेकिन अब आएगा, कम से कम 3,000 रुपए आपके घर आएंगे एडिशनल है, ठीक है। आपके पूरी टीम ने मिलकर 60,000 का टर्नओवर किया, आप 6% लेवल पे आए, 6,000 की इनकम जनरेट की। आपकी पूरी टीम ने मिलकर 1,20,000 का टर्नओवर क्रिएट किया, 9% हुआ, 12,000 रुपए आपके घर आए, 20,000 रुपए आपके घर आएंगे जब आप और आपकी टीम मिलकर 2,40,000 का टर्नओवर क्रिएट करेगी, और आपको एक लेवल मिलेगा जिसे कहते हैं 12%। आपके घर 40,000 रुपए आएंगे जब आप और आपकी पूरी टीम मिलके 4,00,000 का टर्नओवर क्रिएट करेगी, और आप 15% हो जाएंगे, और यहां से आपको एक बड़ा रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। आप और आपकी टीम जिस महीने मिलके 7,00,000 का टर्नओवर करती है, आपके घर में 60,000 तक रुपए आते हैं। तो फ्रेंड सोचिए, 60,000 आ रहे हैं ना, आपकी जो इनकम थी वो तो डिस्टर्ब नहीं हुई, 60,000 प्लस में आए, तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स, जो छोटे छोटे ड्रीम्स रुके हुए थे ना, जो अगले महीने की सैलरी पे हम डाल देते थे, वो सारे ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और जिस महीने पूरी टीम मिलके ना 10,00,000 का टर्नओवर क्रिएट करेगी, उस महीने आपके घर 1-1.5 लाख रुपया आ रहा होगा। और फ्रेंड सोचिए कि जो भी इनकम आ जाए उसमें 1.5 लाख इनकम एड हो जाएगी, तो कितने सारे एक्स्ट्रा काम हम कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो
यहाँ पे ये तो आपका रेफरल बोनस था, उसके बाद जब हम ये 10 लाख का टर्नओवर यानी 10,000 पीवी का टर्नओवर या पॉइंट वैल्यू में यू नो आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं, तो एक महीने जब हम इसको क्रिएट करते हैं यानी हम इस टर्नओवर को बनाते हैं तो हम सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं, 3 महीने करते हैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर, 6 महीने करते हैं तो हम प्लैटिनम हो जाते हैं, और अगर पूरे साल 12 महीने इसको मेंटेन रखते हैं तो हम हो जाते हैं फाउंडर प्लैटिनम, जिनकी छत्र छाया में आज हम ये प्लान, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस प्लान को प्रेजेंट कर पा रही हूँ आपके सामने, उन्हीं से सीख के, वो असलम अंसारी सर और शहनाज मैम फाउंडर्स प्लैटिनम है और वो कितनी सारी वर्ल्ड ट्रिप्स ले चुके हैं और इस बिजनेस को हमें सिखा रहे हैं और हमें भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हेल्पिंग हेल्पिंग ही तो है, उनकी हेल्प ही तो कर रहे हैं वो हमें, ऐसे ही हेल्प करके जब आप अपनी टीम में प्लैटिनम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी 6 महीने आप किसी टीम को 10,000 पीवी के यू नो वॉल्यूम क्रिएट करने में आप उनकी हेल्प करते हैं तो आपको यहाँ से रॉयल्टी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। जब आप 3 टीम की मदद करते हैं आप एमराल्ड हो जाते हैं और 2.5 से 3 लाख आपके घर आता है, और जब आप 6 टीम्स को प्लैटिनम ले जाते हैं उनकी हेल्प करके तो आप हो जाते हैं डायमंड, और डायमंड पे कम से कम 5 से 7 लाख रुपया मिनिमम आ रहा है आज पर मंथ। फ्रेंड्स हमारे कुछ यू नो पुराने टाइम से ही चला रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही पड़े हुए हैं कि जब हम कुछ शुरू करते हैं, हमने स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं तो बिना संगत के, बिना अच्छी संगत के, बुक्स के, एसोसिएशन के, हम कामयाब नहीं हो पाते, हम पास नहीं हो पाते, हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते। सेम यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गुरुकुल, और ये हमें एक ऐसा सानिध्य प्रदान करता है, एक ऐसी एसोसिएशन प्रदान करता है जिसमें रह के हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ना कि हम पैसे के पीछे भाग के सब कुछ खोते जा रहे हैं, लेकिन ये जो पैसा मैंने अभी आपको दिखाया है ये एक ऐसा पैसा है जो आपको, जो चीजें आप खो चुके हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप हेल्थ खो चुके हैं वो आपको वापस देगा, क्योंकि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हर एक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे आप पैसा कमाएंगे खुशियों वाला, आप समय कमाएंगे अपनी फैमिली के लिए, आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगे, आप यू नो आप जो चाहे जो अपनी यू नो अपने ड्रीम्स है वो सारे पूरे कर सकते हैं, आपकी हर चॉइस के सामान आपके घर में होंगे, और सबसे बड़ी बात पीस ऑफ माइंड होगा जो आज किसी के पास नहीं है। लोग पहले कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब वाले बड़े सुखी, लेकिन आज वहां भी कोई सुख नहीं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। प्राइवेट वाला बंदा हो, गवर्नमेंट वाला बंदा हो, बिजनेस वाला बंदा हो, जॉब वाला बंदा हो, कैसा भी सिर्फ स्ट्रेस है। लेकिन आप जिस टाइम पे इस बिजनेस को एक बार बिल्ड कर लेंगे, पीस ऑफ माइंड आप एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपके लिए वेट कर रही हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी हैं, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, चाहें तो इसको यूं ही जाने दे सकते हैं। मेरी प्लान प्रेजेंटेशन यहीं तक थी, थैंक यू सो वेरी मच।